This is Bayali, the super storyteller, as always live and doing stories from new people. So guys, today my guest is really inspiring and he really set an example of hard work and dedication and motivation. So guys, today my guest is a really inspiration. So his name is Dr. Sanjay Kumar and he's from Tharparkar, Sindh, Pakistan. I know that Dr. Sanjay Kumar, he is working as a medical officer at Health Department, Government of Sindh, Pakistan. He is, I think, literate and serve the people and bring awareness to needy people. And you know that, guys, his dream in life to see Pakistan free from corruption. And you know that he loves reading books. Wow, same hobby as I am. And you know that, and making new friends. And he is, I think, inspired by Sir Rehan Allahwala. Well, I'm working for him by Connected Pakistan. So, guys, I think it is our guest can speak now. But before he can speak, this interview series is supported by Rehan Foundation and Institute of Peace and is part of Connected Pakistan. So, yeah, guys, I think our guest can speak now. Yeah, now. Okay. Assalamu alaikum, sir. How are you? वालेकुम सलाम, आई एम फाइन, थैंक यू। आज मुझे बहुत खुशी हुई, एक छोटी बच्ची ने इतने प्यार से और इतनी मेरी तारीफ में इतने अच्छे अल्फाज कहे, और बहुत खुशी इससे ज्यादा हुई कि यू आर द वन ऑफ द बेस्ट इंटरव्यूअर आई हैव एवर सीन। जी बढ़िया, थैंक यू सो मच सर, एंड इट्स माय प्लेजर, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय शो, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कि जैसे कि आपने ऑडियंस ने हमें निकाला और मुझे भी बहुत खुशी हुई, और मुझे भी ये खुशी हुई कि आप मेरे शो में आए और आपने मेरे लिए भी टाइम निकाला, तो बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी बढ़िया। यस सर, यू कैन कंटिन्यू। ओके, सबसे पहले बढ़िया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया और मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं आपके शो में आके आपके व्यूअर के साथ अपने व्यूज शेयर कर सकूं, अपने ख्याल शेयर कर सकूं। इसके लिए मैं आपको एक बार फिर तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। जैसे कि जो आपके व्यूअर्स को मैं कहना चाहता हूं कि मेरा नाम डॉक्टर संजय कुमार है। जैसे वरिया ने बताया कि मेरा ताल्लुक पाकिस्तान के एक पसमंदा इलाके थरपारकर सिंध से है, और हमारे यहाँ पे मैं एज ए मेडिकल ऑफिसर तौर पर पिछले 6 साल से अपने खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ अपने जिंदगी में कि एक दिन पाकिस्तान को फ्री फ्रॉम करप्शन देखूं, देयर इज नो करप्शन इन पाकिस्तान। तो उम्मीद है इंशाल्लाह एक दिन ये मेरा ख्वाब पूरा होगा। और आज मैं अपने व्यूअर के साथ बढ़िया की इजाजत के साथ कुछ, क्योंकि मेरी फील्ड ऑफ चॉइस साइकेट्री है और मेरी एमसीपी साइकेट्री की ट्रेनिंग भी है, नफ्सियात की ट्रेनिंग, नफ्सियात के शोबा माहिर नफ्सियात, तो मैं उसके रिलेटेड मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताना चाहता हूं कि दोस्तों, हम लोगों ने अक्सर देखा है कि हमारे पास ऐसे दोस्त, ऐसे रिश्तेदार, ऐसे साथी जो हमारे आस पास में होते हैं, वो हमारे पास आते हैं, कहते हैं कि यार जिंदगी तो बेजार है, ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है कि मर जाऊं तो बेहतर है, ये जिंदगी तो बेकार है। दोस्तों, ऐसे दोस्तों की बातों को हम हंसी मजाक में उड़ा देते हैं और उनका मजाक बना देते हैं कभी कभार, ना कि उनकी इन बातों को हम सीरियस ना लेते। एक जिम्मेदार फर्द की तरह, बीइंग ए रेस्पॉन्सिबल पर्सन, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ एक जिम्मेदार फर्द की तरह अपनी जिम्मेदारी संभालें। ऐसे दोस्त, ऐसे साथी जो आपके साथ ऐसी बातें करते हों, उनके बराए करम, बराए मेहरबानी अपना फर्ज समझकर उनको किसी अच्छे डॉक्टर के पास भेजें, उनको किसी अच्छे माहिर नफ्सियात के पास भेजें, ताकि आगे जाके ऐसा ना हो कि आपने उसका मजाक उड़ा दिया, वक्त गुजर गया, आगे जाकर उसने वो कदम उठा लिया
अल्लाह ना करे खुदकशी कर ली, क्योंकि आजकल खुदकशी दुनिया में बहुत ज्यादा हो रही है, तो फिर बाद में अफसोस के अलावा हमारे पास और कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि मैं अवेयरनेस के लिए शो करता हूँ, मैं आगाही के लिए शो करता हूँ, अपना लाइव शो भी चलाता हूँ, ताकि मेरा मकसद सिर्फ एक ही है कि नफ्सियात के मुतलिक जो भी छोटी छोटी चीजें हैं, आपको लगे कि इस मरीज में ये सिम्टम हो, तो बराए करम जमेयार फर्द अपने आप की जमेयारी समझें, और एक समाज का जमेयार फर्द होने के नागरिक होने के नाते आप ऐसे इंसान को किसी डॉक्टर के पास भेजें, ताकि उनका एक अच्छा इलाज हो जाए, वो भी आपकी तरह किसी और की आगे जाके मदद करे। जी बढ़िया, आगे आप बोल। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने बारे में तो बता रही है, मगर मैं आपसे एक और सवाल करना चाहती हूँ, और वो भी आपके बारे में ही है, मगर ये सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है। और ये है कि जैसे कि आपने तो अपना दावा भी करवा रही है और सब करवा रही है, मगर मैं आपके बारे में और जानना चाहती हूँ। तो मेरा सवाल ये है कि आप क्या हमारे ऑडियंस को प्लीज एक्सप्लेन हु आर यू एज अ पर्सन, यू नो दैट हु इज डॉक्टर संजीव कुमार एज अ पर्सन, व्हाट डू यू थिंक हु आर यू एज अ पर्सन? तो क्या हर इंसान सोचता है कि वो कैसा इंसान है, तो प्लीज टेल अस हु आर यू एज अ पर्सन। मैं एक नॉर्मल सा, एक आम सा आदमी हूँ, जो अपने फैमिली से बहुत प्यार करता हूँ, जो अपने शोबे से बहुत प्यार करता हूँ, अपने काम को अपनी इबादत समझ रहा हूँ। मैं चाहता हूं कि माशरे में शऊर हो, आगाही हो, नफ्सियात के अमराज के बारे में लोगों में आगाही हो। मैं यहाँ पे चंद डिप्रेशन की अलामतें बताता हूँ, कि जो हमारे डिप्रेशन, जैसे उर्दू में हम मायूसी की बीमारी, नाउम्मीदी की बीमारी कहते हैं, मेरे ख्याल से बरिया के लिए ये सारी चीजें भारी पड़ गई हैं, कि ओवरलोड हो गई हैं अल्फाज। लेकिन बेटा, आजकल डिप्रेशन दुनिया में इतनी कॉमन है, मायूसी इतनी कॉमन है, कि हर 5 बंदे में से एक बंदे में डिप्रेशन है। वजह क्या है? हम स्ट्रेस लेते हैं, ज्यादा सोचते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस हमें एग्जाम के लिए, वो तो अच्छा है कि हमें मोटिवेट करता है, हम उसकी स्टडी ज्यादा करते हैं, मार्क्स अच्छे ले लेते हैं। लेकिन अगर यही स्ट्रेस, यही टेंशन, यही एंजाइटी इतनी बढ़ जाए कि हमारे रूटीन एक्टिविटी में जो डेली हम काम करते हैं, हमारी पर्सनल लाइफ, फैमिली के साथ झगड़े हो जाए, इंटरफेयर करें, हमारी सोशल लाइफ, दोस्तों के साथ हम नहीं जा बैठ नहीं सकें, किसी गैदरिंग में हम नहीं जा सकें, अपने आप को एक जगह पे एक कमरे में बंद आइसोलेट कर दें, अकेले रहें, अलग थलग रहें, या जो लोग काम पे जाते हैं उनकी ऑक्यूपेशन में बॉस के साथ लड़ाई हो जाए, मतलब उनकी पूरी सोशियो इकोनॉमिक लाइफ जो है इंटरफेयर कर दे, तो फिर ये दबाव, ये स्ट्रेस, ये एनजाइटी, ये जो है मतलब डिप्रेशन में चली जाती है। फिर वो एक मायूसी की बीमारी होती है, नाउम्मीदी की बीमारी बन जाती है, जिसमें इंसान रंजीदा होता है, अपनी जिंदगी से नाखुश होता है, नाउम्मीद होता है, वो इंसान ना उनको नींद सही आती है, ना ही भूख लगती है, ना ही उनको किसी चीज में दिल लगता है, हर वक्त थका थका महसूस करते हैं, घबराहट महसूस होती है, बेचैनी होती है, गुस्से का उनका नेचर बहुत ज्यादा होता है, और उनमें वही बात आ गई दोबारा के जिंदगी को खत्म करने के लिए खुदकशी के ख्यालात उनमें बार बार आते हैं। मेरी आपके व्यूअर्स को एक गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है, एक जमींदार फर्द होने के नाते आप जो है ना, अभी जो मैंने अलामतें बताई हैं, इन अलामतों में से अगर किसी मरीज को देखें, तो बराए मेहरबानी बगैर टाइम गवाए उसको किसी माहिर नफ्सियात के पास भेजें, ताकि उसका इलाज हो सके, ना कि पीरों बाबाओं और फकीरों के चक्कर में पड़े तावीज पिलाएं, उससे कुछ नहीं होगा, उसकी जिंदगी हराम होगी। बराए मेहरबानी ऐसे मरीज को देखें, ये एक मर्ज है, ये एक बीमारी है, वो एक डॉक्टर ही ठीक कर सकता है, तो ऐसी बीमारी को आप अमराज है नफ्सियात, माहिर अमराज नफ्सियात के पास भेजें। जी बढ़िया, कुछ ज्यादा हो गया बहुत बहुत मैंने। शुक्रिया। नो नो जी इट्स जी जी ओके। और मुझे भी अच्छा लगा कि आपने बहुत ज्यादा कुछ बताया, कि आप बहुत अच्छे पर्सन है, और मुझे भी अच्छा लगा सुन के। तो इसके साथ ही मैं आपसे एक और सवाल करूंगी, और वो सवाल है कि आप गैस गए तो क्या
नाउ तो मैं अब आपसे ये सवाल करूंगी, क्या आप अपने चाइल्डहुड के बारे में बताएं कि आपके अपना चाइल्डहुड एक्सपीरियंस कैसे था, क्या आपकी अपनी स्कूलिंग कैसी थी, तो आप इसके बारे में बताएं। यस सर। जी, आपने सवाल किया मेरे बचपन में, मेरा बचपन कैसा गुजरा। तो बचपन मेरा बहुत ही अच्छा, बेहतरीन और एक आइडियल बचपन जो कहते हैं वो गुजरा। मेरे पेरेंट्स बहुत कोऑपरेटिव, बहुत सपोर्टिव थे और मेरी तालीम के हिसाब से मैं नो डाउट गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ, लेकिन हमारे जो यहाँ के टीचर थे माशाल्लाह बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे, बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत मेहनती थे। मैं आज जिस भी मकाम पे हूँ मेरे इन टीचर्स की वजह से, उनकी मेहनत, उनकी रहनुमाई और उनके जो उन्होंने जो मुझे बचपन में सिखाया, उसी चीज ने मुझे मोटिवेट किया जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। रही बात फैमिली के हिसाब से, तो मेरी फैमिली बहुत ही सपोर्टिव, कोऑपरेटिव थी और क्या कहते हैं, खुशकिस्मती ये थी कि मेरे पेरेंट्स दोनों टीचर थे, तो मुझे मतलब पढ़ाई में कभी दिक्कत नहीं हुई। इजीली मैं अपने एग्जाम क्लियर करता था पढ़ाई में, मतलब एक नॉर्मल सा स्टूडेंट था, लेकिन पेरेंट्स की मेहनत, उस्तादों की मेहनत ने मुझे इस मकाम पे पहुंचाया। जी जी बढ़िया। सो ओके, जैसे कि आपने तो ये सब तो बता दिया है और मुझे भी अच्छा लगा सुन के, और मैं भी इस चीज से लर्न किया। तो फिर अब आगे जो मैं अब आपसे सवाल करूंगी वो है कि एज यू दैट एवरीबॉडी ड्रीम्स अबाउट समथिंग, सो प्लीज टेल अस व्हाट ड्रीम्स यू हैव और व्हिच ऑफ योर ड्रीम हैज कम ट्रू येट। सो यस, प्लीज बट टेल अस। आप, आपकी आवाज कट रही है, प्लीज दोबारा सवाल पूछे, आवाज कट रही है आपकी। हेलो सर, कैन यू हेयर मी? हेलो, जी, आपकी आवाज कट रही थी पहले। ओके, सो मैं आपसे दोबारा से सवाल रिपीट कर रही हूँ कि ये है, एज यू दैट एवरीबॉडी ड्रीम्स समथिंग अबाउट, सो प्लीज टेल अस व्हाट ड्रीम्स यू हैव और व्हिच ऑफ योर ड्रीम्स हैव कम ट्रू येट, सो प्लीज टेल अस। यस अच्छा, आपने पूछा कि मेरा सबसे बड़ा ड्रीम क्या है। मैं जैसे जी कि इस शो की शुरुआत में बता चुका सर हूँ सर आप। जी, सर मैं आपसे ये पूछी थी कि आपने कौन से ख्वाब अभी देखे हैं और कौन से ख्वाब आपके अभी कम ट्रू हो चुके हैं। अच्छा मेरे कौन से ख्वाब, अच्छा ठीक, मेरे कौन से ख्वाब अभी देखे हैं और कौन से ख्वाब कंप्लीट हो चुके हैं। जी तो एक तो ख्वाब पूरा हो गया, माँ बाप के साथ देखा था कि मैं डॉक्टर बनूं, वो तो पूरा हो चुका है। दूसरा ये है कि हर इंसान को ये होता है कि हमारी एक आइडियल फैमिली हो, एक ऐसी फैमिली हो जो आपको लव करे, सपोर्ट करे, केयर करे, आपकी आपकी छोटी छोटी बातों में आपके साथ हो, और आप परेशान हो तो वो भी परेशान हो, आप खुश हो तो वो भी खुश हो, आपकी खुशी में उनकी खुशी, उनकी खुशी में आपकी खुशी। कभी किसी चीज में आप परेशान हो, कहीं रुक जाते हो तो रहनुमाई करने के लिए आपके साथ हो, कहीं आपके हो, कहीं दिक्कत होती है तो वो जब आप आंख बंद करके भी देखें तो कि वो आपके सामने हर वक्त हो। तो ऐसी सपोर्टिव, ऐसी कोऑपरेटिव फैमिली एक ड्रीम हर इंसान का होता है, वो मेरी है। उसके बाद मेरा दूसरा जो ड्रीम था कि मैं अपने फील्ड जो है, जो मेरी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है नफ्सियात की, तो उसमें जो हमारे लोगों में नफ्सियात की फील्ड की इतनी आगाही नहीं है, इतनी अवेयरनेस नहीं है। हमारे ज्यादातर लोग होते हैं जो गुस्सा कर देते हैं, किसी को मार देते हैं, घर में मतलब कलेश क्रोध जगड़े वो कर देते हैं, हम समझते हैं इसकी आदत है, छोड़ दे। तो ऐसे सब लोगों को गुजारिश है कि जो भी अलामतें मैंने छोटी आज डिप्रेशन के बारे में बताई हैं, इनसे रिलेटेड आप किसी भी मर्ज को देखें, वो आपका रिश्तेदार हो, दोस्त हो, भाई हो,
या कोई भी हो, आपके अड़ोस पड़ोस में हो, मोहल्ले में हो, तो आप ज्यादा नहीं तो उनको बता सकते हो, उनके घर वालों को बता सकते हो कि इसको एक बार कम से कम माहिर नफ्सियात के डॉक्टर के पास लेके जाए ताकि इसका इलाज हो। मेरा ख्वाब है कि आपके प्रोग्राम के थ्रू, अगर मैं बार बार ये चीजें बोल रहा हूँ, अगर एक बंदे ने भी ऐसे मरीज को माहिर नफ्सियात के पास लेके गया, ना कि पीरू बाबाओं के चक्रों में गया, तो मेरा मकसद जिंदगी का पूरा हो जाएगा, मेरा ये ख्वाब पूरा हो जाएगा। और दूसरा मेरा सबसे बड़ा ख्वाब है, जो मैं बचपन से आज तक देख के आ रहा हूँ, कि एक दिन मैं अपने वतन को, प्यारे पाकिस्तान को करप्शन से पाक देखूंगा, करप्शन से फ्री देखूंगा। इंशाल्लाह, अल्लाह से उम्मीदें हैं कि एक दिन इंशाल्लाह पाकिस्तान करप्शन से फ्री होगा। जी, बढ़िया। तो बहुत बहुत मुझे भी अच्छा लगा कि आपने अपने ख्वाब के बारे में बताया, और जो ख्वाब होते हैं वो तो हम इस चीज से भी लर्न करते हैं और हमें भी नजर आता है कि ख्वाब भी रियली होते हैं। तो इसके साथ ही मैं आपसे एक और सवाल करना चाहती हूँ, और वो है कि सो प्लीज शेयर अबाउट योर सिटी कल्चर, कि आपका सिटी कल्चर कैसा है, वेदर वहाँ का कैसा है और कल्चर वहाँ का कैसा है, और जो प्लेसेस हैं जो गेस्ट वहाँ पे विजिट कर सकते हैं वो कौन कौन सी हैं, तो आप हमें बता दें। यस सर। बढ़िया, आपके इस सवाल के जवाब से पहले मैं आपके ड्रीम वाले सवाल को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। बेटा, ड्रीम देखते वही हैं जिनमें चाह होती है ड्रीम पूरे करने की। ठीक है, जो ड्रीम देखते हैं वही ड्रीम को पूरा करते हैं। तो अब आपके इस सवाल पे आते हैं कि मेरा जो गांव है, शहर है, छोटा सा थरपारकर के पसमंदे इलाके में, ये इसका नाम है चेलार। ये गांव जो है तकरीबन तारीखी पाकिस्तान के तारीखी गांवों में या तारीखी शहरों में भी आता है। एक छोटा सा शहर है, पहले गांव था, अब कुछ तरक्की कर गया है, लेकिन अभी बहुत सहूलत है, बिजली की, रोड की पहले नहीं थी। और रही बात यहाँ के लोग, यहाँ के लोग बहुत ही मेहमान नवाज लोग हैं, बहुत ही सीधे साधे हैं। उनमें सिर्फ आपको मिलावटी नहीं दिखाई देगी, ठगी नहीं देखेंगे, धोखेबाजी नहीं देखेंगे। यहाँ पर आके जो भी आता है उनको प्यार मिलेगा, मोहब्बत मिलेगी, इनका खलूस मिलेगा। इन किस तरीके से लोगों की मेहमान नवाजी करते हैं, जो भी एक बार आता है वो हमेशा इन लोगों को याद रखना है। बहुत ही सीधे साधे, बहुत ही मेहनती, अपने काम से जो भी ये जानते हैं वो करते हैं, और बहुत ही टैलेंटेड है। हमारे गांव में आपको हर किस्म का टैलेंट मिलेगा, फिर स्टोरी राइटिंग से लेके, पोइट्री राइटिंग से लेके, आपको स्कल्पचर मूर्तियां वगैरह बनाने से लेके। पर बदकिस्मती ये है कि इनको मौके नहीं मिलते हैं, अपॉर्चुनिटीज इनको नहीं मिलती है, लेकिन ये बहुत ही मेहनत, मैं कहता हूँ कि जितना टैलेंट मेरे गांव और मेरे थर में है शायद ही कहीं हो। पर अफसोस है, ये एक पसमानदा इलाका है, यहाँ पे इतने मौके नहीं मिलते लोगों को कि वो आगे आए, आगे बढ़े और अपना टैलेंट दिखा दे। आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं जो भी गवर्नमेंट में बैठे हैं, जो भी हमारे इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, उनसे अर्ज करूंगा कि खुदारा, थरपारकर भी पाकिस्तान का हिस्सा है, थर के लोग भी पाकिस्तान के हैं, आपके बच्चे, आपके भाई, आपके बहने ही हैं, तो इन पे भी नजर रखें, इन लोगों के भी ध्यान दें। इनके लिए सबसे बड़ा मसला पानी का है, तो भाई पानी जहाँ पे आ जाएगा तो हम खुश हैं, हमें बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो जी बढ़िया, मैंने कुछ ज्यादा ही बातें कर ली हैं, चलो आप बात कर। जी बढ़िया। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने सवाल का भी जवाब दिया, और मुझे भी अच्छा लगा ये सवाल सुन के। और अब मैं आपसे एक और सवाल करूंगी, और वो है कि प्लीज टेल अस फॉर व्हाट थिंग्स थरपारकर इज फेमस। अच्छा, थरपारकर फेमस किस लिए है? ठीक है, इससे पहले मैंने पिछले सवाल में कुछ पॉइंट मिस कर दी थी कि आपने बोला था कि आपका जो सिटी है या गांव है वहां पे कौन कौन सी प्लेसेस हैं जो घूमने की हैं। बेटा, थरपारकर पूरा बरसात में ऐसा होता है जैसे कश्मीर होता है बारिश के दिनों में, क्योंकि यहाँ पे हर जगह पे हरियाली हरियाली होती है बारिश के दिनों में। हम इसे जमीनी, कुदरत की जमीनी जन्नत कह सकते हैं बारिश के दिनों में, वैसे ना इतना खूबसूरत है ओके। मेरा प्यार थर। और रही बात घूमने की जगह, घूमने की जगह मेरे गांव में एक छोटा सा पॉन्ड है
जो राणा सर के नाम से मशहूर है, यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं घूमने के लिए। बाकी रही बात थरपारकर में घूमने की जगह है, तो थरपारकर में सबसे ज्यादा मतलब जो फेमस चीज है, जो लोग यहाँ खास तौर पे आते हैं, वो नगर पार्कर है। नगर पार्कर में तारीखी कदीमी चीजें बहुत हैं, वहां पे आते हैं, वहां पे नेचुरल जो पहाड़ है, वाटरफॉल है, तो लोग देखने आते हैं कुदरती। स्पेशली बारिश के दिनों में आपको थरपारकर जैसे जन्नत ही लगेगा जमीन का। और रही बात थरपारकर फेमस किस लिए है, थरपारकर फेमस हार्ड वर्किंग पीपुल के लिए है, मेहनती लोगों के लिए है, सीधे साधे लोगों के लिए है, मेहमानदार लोगों के लिए है, अपना काम दयानतदारी सच्चाई और ईमानदारी से करने के लिए है। थरपारकर में आपको मिलावटी बंदे नहीं मिलेंगे, थरपारकर में आपको धोखेबाज लोग नहीं मिलेंगे, यहाँ आपको सच्चाई मिलेगी। यहाँ आप दूध भी लोगे तो वही जो गाय से निकलता वही मिलेगा, उसमें कभी पानी नहीं मिला हुआ होगा, इतने सीधे सादे और खालस लोग हैं। और रही ये बात रही लोगों की, प्लेसेस घूमने में नगर पार्कर आ गया, जिसके लिए बहुत फेमस है। और यहाँ पे हमारा जो है कि कुछ गवर्नमेंट्स मना आई मीन के तारीख में मैं जाता हूँ, हिस्ट्री में जाता हूँ कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी हमारी, नगर पार्कर क्यों फेमस है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट में एक शख्स था जिसका नाम था रूपलो कोली, वो उसने अंग्रेजों से लड़ा अपनी धरती की मोहब्बत के लिए। यहाँ पे आपको मारवी का शायद किस्सा आपने सुना हो अपने स्कूल में, मारवी हुब्बल वतनी का मिसल होता है, मिसाल है। उसे एक बादशाह ने मतलब उसके गांव से पानी भरते हुए पकड़ कर अपने महल में लेके गया, उसे कैद में रखा, उसे बहुत सी मतलब कहा कि मैं तुम्हें अपनी रानी बन के रखूंगा, ये सहूलतें दूंगा, वो करूंगा, लेकिन उसने कहा तुम कुछ भी करो, जब मैं मर जाऊं तो मेरी मुझे दफन जो है ना मेरी मिट्टी में करना, जहां से तुम मुझे उठा के आए थे। बादशाह की लाख कोशिशों के बावजूद भी उसने उनकी एक ना मानी, आखिर बादशाह को हार माननी पड़ी और मारवी को उसके अपने गांव छोड़ के आना पड़ा। तो ये मारवी का कस्सा शायद आप लोगों के बुक में ना हो, सिंधी के किताबों में बहुत है कि हुब्बल वतनी का जब भी मिसाल आता है तो। और सिंधी का एक बहुत बड़ा शायर है शाह अब्दुल लतीफ भिटाई, उन्होंने अपने बैत में हुब्बल वतनी के जो मारवी के जो गुण गाए हैं वो काबिले तारीफ हैं। तो थरपारकर फेमस किरदार, कुछ ऐसे किरदार हैं जो जिन्होंने अपने वतन से मोहब्बत के खातर अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी, अपने आप को खत्म कर दिया, लेकिन हुब्बल वतनी यहीं से थी, वतन की मोहब्बत, मिट्टी की मोहब्बत इन लोगों में थी। मेरा लगता है कि इंटरव्यू मेरे अल्फाज बढ़िया पर थोड़े भारी पड़ गए, सॉरी बढ़िया, लेकिन ये जो चीज है ये हकीकत है, ये लोगों ने इन्होंने जमीन से हकीकी मोहब्बत की थी। और आज भी हुब्बल वतनी लव टू योर ओन लैंड का मिसाल जब भी आता है तो रूपलो कोली का आता है, मारवी का आता है, और ऐसे बहुत से किरदार और भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपके लिए आज ज्यादा हो रहा है, तो ओवर टू यू भाई, ओवर टू यू। जी, So, thank you so much, sir, for answering this lovely question. So, okay. So, the next question is that what advices you still carry in your life from your parents, sir? Can you tell us about it? अच्छा, व्हाट एडवाइजेस आई कैरी फ्रॉम माय पेरेंट्स थ्रू आउट द लाइफ। Yeah. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, मेरे पेरेंट्स टीचर थे, बोथ मदर एंड फादर दोनों टीचर्स थे, तो मेरे लिए बहुत स्ट्रिक्ट माहौल था। अच्छा, और दूसरी बात है उन्हें स्टडी पे तो बड़ा कंट्रोल था। उन्होंने एक एडवाइस लाइफ में दी थी कि मतलब उनकी जो मैं हमेशा जहन पे रखता हूँ कि जिंदगी में आए हो अपने, तो अपने लिए तो जानवर भी जीते हैं, अपने लिए तो जानवर भी जीते हैं, ऐसा कुछ करो, किसी इंसान की खिदमत करो, कुछ नेकी के काम करो, कुछ ऐसे काम अमाल करो कि मर जाने के बाद चार लोग याद रखें। तो उसी मतलब एडवाइस को मैं आगे बढ़ाते हुए मैं अपना जो फेसबुक लाइव शो नफ्सियात की बीमारियों के साथ स्टार्ट किया है, फ्री ऑनलाइन क्लिनिक विद डॉक्टर संजय कुमार,
तो वही शऊर वही आगाही देता हूं कि आप किसी भी नफ्सियात के मरीज को डिप्रेशन के सिम्टम जो मैंने आज सिर्फ एक डिप्रेशन के अलामतें बताई हैं आप उसे देखें। अगर कोई शख्स बेजार देखें जिंदगी की किसी बातें करें वो मजाक नहीं कराए कि मैं जिंदगी से बेजार हूँ, बल्कि उसके अंदर कोई ऐसी तकलीफ है तो उससे बात करें, उससे प्यार से बात करें, उसके अंदर से वो बात निकालें ताकि वो ऐसी हरकत दोबारा ना करे, ऐसी बातें दोबारा ना करे। उसकी हिम्मत अफजाई करो, उससे मोटिवेट करो और उसके अंदर जो चीज उसको तकलीफ दे रही है वो बाहर निकालो, क्योंकि आजकल के दौर में इंसान अपने अंदर जो बाफ होती है वो किसी को बता नहीं सकता, तो उसी वजह से वो बाफ जब भर जाती है तो फिर डिप्रेशन की, मायूसी की, नाउम्मीदी की बीमारी में मुब्तला हो जाता है। और जब ये भर जाती है तो अल्लाह ना करे कोई ऐसी अनहोनी हो जाए, तो बेहतर है कि आपके ये जिम्मेवारी है कि आप अपने अपनों की ख्याल रखें और ऐसे जो नफ्सियात के साथ साथ जिनके सवालात रहते हैं या नफ्सियात की अलामतें देखें तो कम से कम बात ना कर सकें तो कम से कम इतना तो उनको एडवाइस करें कि उनको या उनके घर वालों को इनको इमराज माहिर नफ्सियात के पास लेके जाए। जी बढ़िया जी बेटा, जी जी ओवर टू यू, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर. सो ओके सर, एज यू नो दैट यू हैव ऑलरेडी टोल्ड द एडवाइसेस एंड इट्स रियली ग्रेट टू नो अबाउट इट. सो कैन यू टेल अस दैट इट इज अ रियली बेस्ट क्वेश्चन एंड इट इज द क्वेश्चन दैट व्हिच इज द बेस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ एंड व्हाई. सो कैन यू टेल अस अबाउट इट. ओके, श्योरली इट इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, नो डाउट। थैंक यू बढ़िया। द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ व्हेन आई गॉट MBBS डिग्री फ्रॉम लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी फॉर जामशोरू फॉर 2012 एंड माई पेरेंट्स आर विथ मी एट दैट टाइम। दिस वॉज वन ऑफ द बेस्ट टाइम दैट माई एंड माई मदर ड्रीम्स कम ट्रू। बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ, बेस्ट मोमेंट, बेस्ट टाइम, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से, the best memory I have in my life when I got degree, my parents are with me, मतलब what वो ऐसे है कि a dream come true। जब आपका ख्वाब पूरा होता है और आपके वालदीन आपके साथ होते हैं तो वो जिंदगी का मैं कहता हूँ कि सबसे खूबसूरत लम्हा होता है। बस इससे आगे मैं नहीं कह सकता, तो वो मेरी जिंदगी का बेहतरीन 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 दिन था, वो बेहतरीन लम्हा था मेरी जिंदगी का। जी बढ़िया। ये तो बहुत अच्छी बात आपने कही और मुझे भी अच्छा लगा सुन के. तो इसके साथ ही मैं आपसे एक और सवाल करूंगी और है काफी जी जी सारे सवाल है मेरे आपके लिए. सो ये है, सो एज यू नो दैट यू आर अ ग्रोन अप, सो प्लीज टेल मी दैट व्हेन यू आर स्टूडेंट व्हिच टीचर इंस्पायर्ड यू द मोस्ट व्हेन यू आर स्टूडेंट एंड व्हाई. Which teacher? Can you please repeat the question? Please tell me which teacher inspired you the most till now and why. अच्छा, which teacher inspired me more till now? Okay. Yes. Every teacher has its own personality. From my primary to secondary to college to university to post graduation training, I got different teachers. Every teachers have different qualities, and every teacher has a different way of teaching. So I can't describe, yeah, I can't discriminate in teachers. That which teacher is better, which teacher is not better. I think teacher word itself is an inspiration for me. So I have all my teachers from primary till my post graduation training, all are my inspiration. I have learned from them each and every way. They all are my inspiration. So I can't discriminate. I can't take single name there who inspired me. I was inspired from all my teachers. That is primary to my post graduation training. All are my inspiration. Jai Bariya.
So thank you so much about it, and thank you so much for your time that you have come into my show. So okay, the next question is to you that what have you learned from your experiences in your life and career, sir? So can you tell us? What I have learned from my experiences and my careers. In your life, sir. In my life, the most important thing I have learned from life, trust yourself. You are the best and only best. No one like you. You is you. No one can take your place. तो सेल्फ सेटिस्फिकेशन इज द बेस्ट. खुद मुतमिन होना बाहरी मादी जिंदगी की कामयाबी से कई गुना बेहतर है. अब आप खुद से मुतमिन हो, आप खुद ही खुद को जानते हो, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है. तो सेल्फ सेटिस्फिकेशन, और आप जो हो वो आप ही हो, आपके जैसा कोई और नहीं बन सकता. नो वन टेक योर प्लेस. यू आर ओनली एंड वन पीस created by God, that you are and you are. So that's all I have learned from my life. जी बढ़िया. सिंपल, इन सिंपल वर्ड, आई एम द बेस्ट, नो वन लाइक मी. So thank you so much that you have tell us about your experiences in your life. And you, sir, you are a really wonderful person, and you are doing a really great job. And thank you so much for coming into my show, and thank you so much for your time. And थैंक as you know that, yes, सर. यू. जी जी प्लीज, ओवर टू यू, ओवर टू यू Okay, sir. प्लीज. Okay, sir. As you know that it is time to end the show, and in the end, I would like to request you that what message or advice you want to give to our audience and viewers. Yes, sir. ओके बढ़िया. फर्स्ट ऑफ ऑल आई कांग्रेचुलेट यू. यू आर डूइंग अ वेरी वेरी वंडरफुल जॉब. आई मस्ट अप्रिशिएट Thank you. यू. यू आर द वन ऑफ द बेस्ट इंट्रोवर्ट आई हैव एवर सीन इन द वर्ल्ड. एंड आई मस्ट से इन दिस यंगर एज यू आर डूइंग वंडरफुल ग्रेट जॉब. एंड द मैसेज टू ऑडियंस फ्रॉम माई साइड, आई थिंक आई ऑलरेडी सें गिवन द मैसेज कि आप नफ्सियात के अलामतों के साथ किसी भी मरीज को देखें तो बराए मेहरबानी उनको माहिर अमराज नफ्सियात के पास लेके जाए. और दूसरा मैं मैसेज जो देना चाहूँगा दोस्तों, आओ मिलकर अपने आप से वादा करें, हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो पाकिस्तान की करप्शन को और बढ़ाए. छोटे से छोटे काम के लिए हम लाइन में कौन खड़ा हो, 50 रुपये 100 रुपये दे दो तो काम हो जाएगा. ये छोटी छोटी चीजें जो है करप्शन को बढ़ावा देती हैं. हम अपने आप से वादा करें, आज से हम अपने खुद को रोकेंगे, हम करप्शन नहीं करेंगे तो इंशाल्लाह एक दिन पाकिस्तान करप्शन से पाक हो जाएगा. आओ मिलके मेरे साथ वायदा करो कि पाकिस्तान को करप्शन से पाक देखेंगे. सबसे पहले हम अपनी करप्शन खत्म करेंगे. बड़े मेहरबानी बढ़िया, आपके शो में आके मुझे बहुत मजा आया. थैंक यू सो मच. It's ओवर टू यू my बढ़िया, pleasure. It's my ओवर टू pleasure, यू. and thank you so much for your time. And I hope we'll meet again. Allah Hafiz, sir. अल्लाह हाफिज. इंशाल्लाह वी विल मीट अगेन सून. Have a ओके great बाय. day. थैंक Bye. थैंक यू बेटा. थैंक ओके. अल्लाह हाफिज.